नागपुर जिले के सांदे तहसील में आने वाले बेलोरी बाबुलखेड़ा गांव के टेकड़ी पर संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। मन की मुराद पूरी होने से इस मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। पेश है बेलोरी मंदिर से हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। नागपुर के जीरो माइल से 30 किलोमीटर की दूरी पर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है। नागपुर जिले के सांदे तहसील में आने वाले बेलोरी बाबुल गांव टेकड़ी पर बसे इस मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को नागपुर जिले से कई श्रद्धालु दर्शन करने आते जाते रहते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर की विशेषता है कि यहां पर दर्शन करने वालों की मुराद पूरी होती है, ऐसा श्रद्धालुओं का विश्वास है। ऊंची टेकड़ी पर मंदिर होने से यहां का नजारा देखते ही बनता है। प्रतिदिन यहां पर महाआरती और हनुमान चालीसा का पठन किया जाता है। नागपुर जिले से छोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग व्यक्ति दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के टेकड़ी से रामटेक का श्रीराम मंदिर दिखता है, ठीक इसी प्रकार वाकी का काबुल कंधा पे दिखता है। पाटन सावंगी परिसर में आने वाले चांदिया, ईटन कोटी, बाबुल खेड़ा, तांतोरवाड़ी परिसर के लोगों की विशेष लगाव है, उनकी अपनी श्रद्धा है। पंचमुखी हनुमान मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम नागपुर जिले के अंतर्गत और सावनेर तहसील के अंतर्गत आने वाले बेलोरी बाबुलखेड़ा के उस हनुमान मंदिर में आए हुए हैं। ये टेकड़ी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे जो श्रद्धालु है दूर दराज से आते हैं। आखिरकार इस मंदिर की क्या है विशेषताएं, आइए जानना चाहते हैं। कुछ यहाँ पे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। सर ये बताइए कि क्या है यहाँ की विशेषताएं और कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ आने के बाद आप? जय सिया राम। पंचमुखी हनुमान मंदिर से बाबा जी पुजारी बोल रहे हैं। इस मंदिर का बड़े बड़े चमत्कार है, इसलिए भक्तों दयालु इधर आते जाते रहते हैं। हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जय सिया राम। मैं सत्येंद्र गुप्ता, श्री विदर्भ अमरनाथ सेवा समिति का संयोजक। पिछले वर्ष से, एक साल पहले मैंने सबसे पहले यहाँ पर दर्शन के लिए आया था भक्तों के साथ में। ऐसा निसर्गरम्य परिसर नागपुर शहर से सिर्फ 25 किलोमीटर के अंतर पर बहुत से भक्तों को मालूम नहीं है। इस कारण इसका प्रचार प्रसार होने के लिए हमने विदर्भ अमरनाथ सेवा समिति की तरफ से भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया। उस महाप्रसाद में अनेक भक्त शामिल हुए और जब से इस मंदिर को प्रचार यहाँ पर प्रारंभ हुआ और आज यहाँ पर हजारों भक्त हर शनिवार मंगलवार को आते हैं। जय श्री राम। विशेषता इस मंदिर की? बहुत अच्छा मंदिर है, सब प्रेमी आते हैं, फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, अच्छी बात है, सबको आना चाहिए शनिवार मंगलवार को। मैं तो कह रहा हूँ पूरे दिन आना चाहिए, भगवान तो हर समय है, आना चाहिए, अच्छी बात है। पंचमुखी हनुमान जी, जय सिया राम। कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं? मैं श्रीकांत सायरे नागपुर से हूँ। लगभग यहाँ पर जो पंचमुखी हनुमान जी है, जो पुराना मंदिर था जिसमें आते समय प्रदक्षिणा भी नहीं होती थी, उस समय हम यहाँ पर आते थे, जो मित्र लोग आते थे। इनका जो पावर है, यानी इनका जो आशीर्वाद है, ये हमारे पूरे क्षेत्र में लगभग हमारे यहाँ से कम 300 से 400 लोग हर शनिवार मंगलवार ऐसे आते हैं, महाप्रसाद करते हैं। इनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ के कई लोगों को अच्छा एक फायदा हुआ, उसके वजह से यहाँ और कई लोग हमारे इसमें जुड़ रहे हैं। जीवन में यदि कुछ पाना है तो हमें आध्यात्म की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे में अगर किसी के चरणों में जाना है तो पंचकृष्ण हनुमान मंदिर ये जो है ये अपने आप में एक है। और यहाँ पे दूर दराज से कई श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती है, ऐसी यहाँ की विशेषताएँ हैं। और यहाँ का जो एटमोसफियर है, जो परिसर है, वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ आने के बाद दिल को खुशी मिलती है और आनंद मिलता है। और जीवन में अगर कुछ है तो वो है सिर्फ आनंद, आनंद और आनंद, और यही पाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और अपना माथा टेकते हैं और भगवान से दुआएं करते हैं कि कोरोना को भी जल्द से जल्द इस दुनिया से, इस विश्व से ले जाए और सब सुख चैन से रहे, भाईचारा अच्छा रहे, प्यार बढ़ता रहे, एकता बढ़ता रहे और हमारे देश की आन बान शान कहे जाने वाला यह आध्यात्म
हर पल हर दिन उस ताजगी की तरह हो जो लोगों के जीवन में खुशी पैदा करने वाला हो।